वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाबाश दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक और एक चीज़ जो है एड स्टार्ट की है सीरीज़ को जिसका नाम है घटना चक्र सीरीज जहाँ पर हम फिज़िक्स का जो पार्ट है वो कवर करते आ रहे हैं और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर फोर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे मोशंस अंडर ग्रेविटी किस तरह से होगा ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें तो चलिए शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों ओके okay? एंड तो एक और अपडेट देना चाहता हूं मैं कि हम लोगों ने बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरुआत की है दोस्तों ओके okay. सो so ये टेस्ट सीरीज़ जो है आपको यहाँ पे ट्वेंटी सेक्शनल टेस्ट होंगे पांच आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे सो so टोटल आपको ट्वेंटी फाइव टेस्ट रहेंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको वन ऑन वन जो है मेनटेंग प्रोग्राम रहेगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगी दोस्तों आपको आपके सारे डाउट रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व किए जाएंगे थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ओके तो सारे फैसिलिटीज आपको सिर्फ़ फोर नाइन्टी नाइन में दिया जा रहा है इसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है एक एग्ज़ाम एक पैटर्न को पढ़ने के लिए तो जानने के लिए तो वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको एक परस्पेक्टिव मिले एग्ज़ाम के बारे में राइट right, उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिले 499 में आपको दिया जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं और इसके लिंक परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले जैसा मैंने कहा कि फिजिक्स का पोर्शन चल रहा था हमारा आज जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है इंपॉर्टेंट है सो द मोशन ऑफ द प्लानट्स की बात करें सो ऑल द प्लानट्स इंक्लूडिंग अर्थ ओके मूविंग अराउंड द सन इन दर ऑर्बिट्स नेचुरल सेटेलाइट इज ए सेलिस्टियल बॉडी स्पेस ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट्स दोस्तों ओके okay? जैसे अर्थ का जो सेटेलाइट क्या है नेचुरल सेटेलाइट हमारा मून है राइट सो इट इज ए नेचुरल सेटेलाइट एंड इट इज ए सेलिस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट्स एंड मेरक्यूरी और वीनस को तो कोई नेचुरल सेटेलाइट नहीं है अर्थ के पास एक नेचुरल सेटेलाइट है रिसेंटली आपने देखा होगा चंद्रयान थ्री हम लोगों ने लॉन्च किया था राइट right? सक्सेसफुली स्मूथ लैंडिंग हुई हमारी ओके okay? एक इसरो के लिए प्राउड मोमेंट है और अभी रिसेंटली जो है आ, इसरो ने आदित्य एलवन भी लॉन्च कर दिया दोस्तों ओके सो आदित्य एलवन इज़ ए सन मिशन अभी हम चांद से सूरज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सो होप दिस विल आल्सो विल हैव ए सक्सेसफुल मिशन ऑन दैट ओके एंड मार्स के पास दो सैटेलाइट है जुपिटर के पास सेवेंटी नाइन सैटेलाइट्स है और सैटर्न के पास एटी टू सैटलाइट्स है दोस्तों ठीक okay? है तो नंबर आई थिंक थोड़ा चेंज होगा होगा आप लेटेस्ट नंबर जो है वो आप उस पर रेफर कर सकते हैं सो ए मोशन ऑफ द प्लानट्स के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आपने सुना होगा दोस्तों जॉन्स केप्लर थे एक जर्मन एस्ट्रोनमर उन्होंने तीन लॉ को प्रपोज किया अबाउट द प्लानिटरी मोशन अराउंड द सन ओके तो पहला लॉ है ऑल द प्लानट्स मूव अराउंड द सन इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट दोस्तों ओके okay? कौन सा ऑर्बिट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट

फॉर फ्रॉम द सन होता है इट हैज ओके स्लो मूमेंट बिकॉज वो उतने सन के ग्रेविटी में उतना नहीं आता है जितने नजदीक के प्लान आते हैं दोस्तों राइट right? तो कैप्लर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन यही कहना है फर्स्ट लॉ क्या कहता है ऑल द प्लान मूव अराउंड सन इन ए अलिप्टिकल ऑर्बिटे अलप्टिकल ऑर्बिट में हम लोग रोटेट हो रहे हैं सॉरी uh, uh, हो रहे हैं एंड सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है द रेडियस वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग एनी प्लान स्विम स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्ड लॉ देखते हैं यहां पे द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट दोस्तों ठीक है सो जो भी ऑर्बिटल पीरियड होता है प्लैनेट का एक प्लानिट के पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो घूमते रहते हैं राइट right? तो उनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ओके सो वॉट एवर द ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट दोस्तों ओके okay? कौन से एक्सेस में रोटेट हो रहे है? उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब एक्सेस इंक्रीज हुआ तो उसका ऑर्बिटल पीरियड भी इंक्रीज होगा ओके okay? जैसे एक्सेस आक, आप डिक्रीज कर देंगे तो उसका ऑर्बिटल पीरियड भी क्या होगा डिक्रीज होता चले जाएगा क्लियर हो गया आपको ओके okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्यूब सो इट इज अ मैथमेटिकल फार्मूला जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट uh, करते हैं सो प्लान ऑर्बिट पी इज कॉल्ड हाउ लॉन्ग इट टेक्स द टू मूव अराउंड द सन उसके बाद ए इज नथिंग बट सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लानट ऑर्बिट हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोस्तों देखिए न्यूटन हैड एन ओपिनियन दट ऑल द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाई फोर्स क्योंकि हमेशा न्यूटन का मानना यही है कि वो ज़्यादातर अपने कॉन्सेप्ट जो है वो फोर्स पर डिजाइन किए गए हैं दोस्तों ठीक है okay. तो उनका मानना यही था जितने भी यूनिवर्स में जो भी बॉडीज थे दे आर ऑल अट्रैक्टेड बाई द फोर्स एक पर्टिकुलर फोर्स उन पर एक्ट कर रहा था तभी जाके ये लोग अट्रैक्ट हो गए ओके सो दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या फोर्स कहते थे वो उसका नाम क्या था वेरी फेमस नाम है क्या है बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स जी हाँ दोस्तों ओके okay? तो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से हम लोग आज जमीन पे चल पा रहे हैं ओके okay? लैंड पे चल पा रहे हैं वरना हम दूसरे प्लैनेट्स की तरह हवा में उड़ रहे होते तो कहाँ पे भी जाइए अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके वजह से कोई कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जो उस अपनी तरफ खींच रहा है तो न्यूटन्स ने क्या कहा उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा दोस्तों ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोर्स न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्क्राइब uh, किया है राइट सो चलिए देखते हैं क्या बोला है उन्होंने सो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन इससे पहले एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ तो जैसा मैंने अभी कहा कि न्यूटन्स ने की एक फोर्स का नाम रखा है ग्रेविटेशन फोर्स सो वॉट एवर द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दर मॉस एंड इन्वर्सनल प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दोस्तों ओके okay. तो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सो यफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया ओके okay. तो अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट लगाया गया है जी इज़ नथिंग बट क्या है दोस्तों जी इज ए ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ओके तो ये आपको थोड़ा याद रख लीजिए आगे काम आएगा सो ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज अट्रैक्शन फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इज सेंटर दोस्तों के ग्रेविटी इज नथिंग बट क्या है इट्स एन अट्रैक्शन फोर्स ओके सो इट्स एन अट्रैक्शन फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इज सेंटर इसीलिए तो मैंने कहा कि अर्थ में ग्रेविटी होने की वजह से आज हम जमीन पर चल पा रहे हैं इट इज ए पिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन एंड वेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप फीलिंग इट फॉल्स टुअर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों का कॉन्सेप्ट है अगर कोई बॉल को आप एक बिल्डिंग से फेंकते हैं ऊपर से डालते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होता है नीचे की तरफ जाता है ना कि ऊपर की तरफ ओके सो इट्स फॉलिंग रेट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसको हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों ठीक है जैसे जैसा वो वो बॉल जो है अर्थ की तरफ रीच होता जाएगा इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन होता है ना वो इंक्रीज होती चली जाएगी दोस्तों ठीक है समझ में आ गया आपको सो so, जैसे जैसा वो बॉल अर्थ की तरफ जाने लगेगा उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगी इंक्रीज होती चली जाएगी तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल जी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में जो है पता नहीं बोल नहीं सकते एग्जामिनर कभी कभार जो है बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया गया है क्या रिलेशन है इसके बीच में तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्जिलरेशन रिलेशन बिटवीन सो स्मॉल जी इज इक्ल्स टू ओके कैपिटल जी बाई एम आर स्क्वायर दोस्तों समझ में आएगा सो स्मॉल जी इज़ नथिंग बट क्या है ग्रेविटेशनल एक्जिलरेशन ऑफ द अर्थ अभी मैंने कहा आपको और कैपिटल जी इज़ नथिंग बट क्या है दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है जैसे मैंने कहा इसीलिए मैं वो छोटा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए जी इज़ अ ग्रेविटेशन कॉन्सटेंट यम ई से क्या कहते हैं मास ऑफ द अर्थ कहते हैं दोस्तों ठीक है मास ऑफ द अर्थ एंड आर जो होता है ना वो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है ठीक है आर स्क्वायर इज नथी बट रेडियस ऑफ द अर्थ तो सारे वैल्यू सब करेंगे यू विल फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट एस्केप वेलॉसिटी क्या होती है जनरली वेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स आफ्टर रीचिंग टू सटन हाइट इट कम्स डाउन टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ठीक है सो एस्केप वेलासिटी इज अ मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस तो एस्केप वेलासिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपने रॉकेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा दोस्तों ओके क्योंकि रॉकेट्स को जो है जब वो अर्थ का लेयर क्रॉस कर रहे होते हैं तो दे शुड ओवरकम दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विच वॉज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स अर्थ ओके तो उसको ओवरकम करने के लिए दे शुड हैव सम मिनिमम स्पीड ताकि ऑब्जेक्ट जो है एस्केप हो जाए ग्रेविटी से तभी जाकर जाकर वो चांद पे दूसरे सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट्स पे जाके लैंड होते हैं राइट तो एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट इट्स अ मिनिमम स्पीड जस्ट डेफिनेशन याद रख लीजिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि आप जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बच के निकल जाए दोस्तों ओके okay? और फिर वापस लौट के ना आए ठीक है ऐसा नहीं कि बच के निकल गया फिर घूम के आके फिर अर्थ के पास ही आ गया ऐसा नहीं होता है तो ऐसे स्पीड मेंटेन कीजिए आप वो कैलकुलेशंस होते हैं उनके ओके okay, बट उसके वेट के हिसाब से उसके स्पीड के हिसाब से राइट right, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन कि स्केप फिटी इज़ ए मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ दोस्तों ओके एंड इट नेवर कम्स बैक ओके जिसमें एस्केप फिलोसिटी तो सिंपल पीरियडिक मोशन के बारे में बताया गया मैंने ऑब्जेक्ट मूव बोथ साइड इन ए स्ट्रेट लाइन ओके सो सिंपल पीरियडिक मोशन मैंने ऑब्जेक्ट मूव बोथ साइड्स इन द स्ट्रेट लाइन फ्राम इट्स इक्विप्रियम स्टेट ओकेम स्टेट सपो ये मान लीजिए ई इज अ पॉइंट ओके दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल पीरियोडिक मोशन यहा आपने देखा होगा पेंडुलम इज अ एग्जाम्पल ओके द मू द मूमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेंग विद द स्प्रिंग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम अभी मैंने बताया आपको ओके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपको हैंग कर दिए इक्विप्रियम पॉइंट है इट कैन मूव अराउंड फ्रॉम टू एंड फ्रो इट्स अ सिंपल पीरियडिक मोशन ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं एन आइडियल पेंडुलम कंसिट ऑफ ए पॉइंट मास सस्पेंडेड बाई वेटलेस इनएक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सीबल थ्रेड दोस्तों ओके एंड फ्री टू वाइब्रेट अपलाइड पेंडुलम इन द लैब इज सॉलिड स्पेयर ऑफ एनी मेटल टाइट विथ लाइट एंड थिन थ्रेड विद रिजिट बेस द सॉलिड स्पेयर ऑफ मेटल इज कॉल्ड बॉब दोस्तों बॉब द बिल्डर ओके एंड द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नॉ एफेक्टिव लेंथ ओके दि इज द लेंथ हो गया दिस द बॉब ओके सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं इसको एंड ग्रेविटी इसको क्या कहा जाता है इसको इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है दोस्तों ठीक है दिस द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओके दिस इज बॉब राइट समझ में आ गया जो लेंथ होता है ना ग्रेविटी एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं एंड द सॉलिड स्पेयर ऑफ मेटल इज इन ए सिंपल पेंडुलम ठीक चलो सो दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर दोस्तों उम्मीद है कि आज को मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा बस थोड़े बेसिक डेफिनेशन थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था उससे कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay. बट हाँ एक फार्मूला आप याद रख लीजिए जो मैंने यहाँ पे बताना भूल गया कि जो पीरियडिक टाइम होता है ना कोई भी सिंपल पेंडुलम अगर उसका कैलकुलेट करना है आपको तो ये फार्मूला है टी इज इक्व टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई जी दोस्तों ठीक है सॉरी एल बाई जी नॉट वन बाई जी इट्स एल बाई जी फिर से लिख के दिखा देता हूँ टी इज इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी राइट सो यल इज़ नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम मैंने अभी बताया ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और ग्रेविटी तक ग्रेविटी सेंटर ऑफ द स्पीयर तो उसके बीच में जो लेंथ होता है उसको इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है ओके यल एंड जी इज़ आर ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दोस्तों ओके एंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ ओके सो जो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ दोस्तों जितना आप लेंथ रखेंगे उतना टाइम लगेगा उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव होने के लिए ओके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी के बारे में मैंने बता दिया एट स्केप फिलासिटी क्या होती है ये भी मैंने समझा दिया आपको तो थोड़े बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना चाहिए तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच